सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार, आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं OWASP टॉप 10 के 7th पॉइंट के बारे में, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज के बारे में, कि वल्नरेबिलिटीज क्या है उनके बारे में मैंने प्रैक्टिकल डेमो दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप level 1, level 2, level 3 मतलब जो भी रैंक पे आती है 1, 2, 3 रैंक, उन सब की मैंने वीडियो बना रखी है और इस YouTube चैनल पे मैंने अपलोड करी हुई है। प्रैक्टिकल डेमो के साथ, कोई हैक नहीं किया बट प्रैक्टिकल डेमो दिया जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ OWASP टॉप 10 की 7th कैटेगरी में जो आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये कैसे किया जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसमें कैसे अटैकर्स यूज करते हैं, कैसे कुकी स्टीलिंग करी जाती है, कैसे एक वेबसाइट का पूरा आपके पास कंट्रोल आ सकता है, कैसे आप इसका प्रैक्टिकल डेमो आप देख सकते हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार OWASP टॉप 10 की जो 7th कैटेगरी है वहां पे आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए एक वेबसाइट है, मैं एक सिनेरियो दे देता हूँ आपको कि हमारे पास एक वेबसाइट है, वहां पे एक पोस्ट डालने का कुछ है, आप इनपुट देने का कुछ है, वहां पे आप कुछ पोस्ट कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ आप फोटोज डाल सकते हैं, वीडियोज डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आप जानते होंगे फेसबुक में होता है फोटो डालने का, कुछ लिखने का, पोस्ट करने का, कमेंट करने का ऐसा सिस्टम, तो वहां पे भी एक किसी वेबसाइट में ऐसा सिस्टम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वो जो वेबसाइट का जो इनपुट वाला जो जगह होती है वहां पे आपको, अगर आपको चेक करना है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप पहले तो कुछ प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि आप किसी की फोटोज को लाइक कर रहे हैं तो वहां पे आप लिख देंगे नाइस पिक डियर या फिर जो भी है ये सब आप लिख देंगे और वहां पे आप पोस्ट कर देंगे, तो प्लेन टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट में वो पोस्ट हो जाती है। अब क्या करना है, हमें कुछ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक मारना है या फिर कुछ अटैक करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, तो क्या करेंगे, वो जो पोस्ट वाला सेक्शन है या कमेंट वाला सेक्शन है वहां पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे या जैसे कि बोल्ड बी ब्रैकेट ओपन बी और उसके अंदर लिख सकते हैं आप हाय या फिर उसको बोल्ड को बंद कर दीजिए, बी को बंद कर दीजिए, एंड जब उसको सबमिट करेंगे तो वो जो आपका हाय है वो बोल्ड लेटर में आ जाएगा, मतलब कि आपने जो पहले कमेंट किया था नाइस पिक वाला वो प्लेन में रहेगा और आप जो बोल्ड वाला करेंगे वहां पे आपको बोल्ड दिखाई देगा एकदम ब्लैक, डार्क ब्लैक बोल्ड में, ठीक है। इसी तरीके से आप वहां पे कुछ और भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि ब्रैकेट स्टार्ट किया वहां पे आप लिख सकते हैं, एक स्क्रिप्ट आप कर सकते हैं जैसे कि आपने लिखा जावास्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट डाला आपने एंड उसके बीच में लिखा अलर्ट अलर्ट फिर बंद किया उसको वन से एंड साइड में आपने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, तो अब क्या होता है कि अलर्ट जो चीज है वो एक पॉपअप शो करती है उस वेबसाइट पे, तो आप जब भी आप उस कमेंट को आप पोस्ट करेंगे तो वहां पे सामने आपके एक पॉपअप आएगा, उससे आप बहुत कुछ देख सकते हैं, वेबसाइट की चीजें, किसी की फोटो चेंज कर सकते हैं, बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं या फिर जो मतलब कि पूरी वेबसाइट को अपने कंट्रोल में लेते हैं, सारी फोटोज हटा के अपनी एक फोटो डाल लेते हैं, कोई लोकेशन चेंज कर देते हैं या फिर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये बड़ी बड़े चीजें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से होती है और ये बहुत पॉपुलर और बहुत डेंजरस चीज है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये किसी भी वेबसाइट में अगर मिल जाती है तो इसकी अच्छी खासी बाउंटी लग जाती है, आप उसको रिपोर्ट करें और अच्छी खासी आपको बाउंटी मिल जाएगी। तब इसमें अटैकर्स क्या करते हैं, तो यार अटैकर्स क्या करते हैं, पहले तो ये बता दूं कि यार दो तरीके की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, एक तो होती है स्टोर्ड जो कि स्टोर्ड हो जाती है डाटाबेस में, पर एक होती है रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब स्टोर्ड के ऊपर बात करें तो मैंने कुछ पोस्ट किया वहां पे लिख दिया बोल्ड और ब्रैकेट खोला बोल्ड लिखा एंड उस बोल्ड के अंदर मैंने लिख दिया हाय या फिर अनोमनस लिख दिया और उस बोल्ड को मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब मैंने जब उसे पोस्ट किया ना तो वो दुनिया भर में हर कोई देख सकता है, वो स्टोर्ड हो जाती है उस वेबसाइट पे, डाटाबेस में स्टोर्ड हो जाएगी और उस वक्त दुनिया में हर कोई देख सकता है कि यार सबके कमेंट्स तो यार प्लेन टेक्स्ट में आ रहे हैं और इसका कमेंट बोल्ड लेटर में आ रहा है, तो ये क्या चीज है। तो ये होती है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब आ जाते हैं दूसरे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में जो होता है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब इसमें क्या होता है, आपने कुछ URL देखा वहां पे आपने कुछ इनपुट डाला ब्रैकेट उसमें स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के बाद अलर्ट अलर्ट फिर अलर्ट के बाद आपने स्क्रिप्ट बंद कर दी, ठीक है वो टैग बंद कर दिया। जब आप उस URL को कॉपी करके अपने पास जब रिलोड करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, वो सिर्फ आपके लिए ही आएगा और किसी के लिए नहीं आएगा, तो वो सिर्फ आपके लिए आएगा तो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब वो जो लिंक है
वो लिंक आप किसी और को भेजोगे तो वो लिंक वहां से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, किसी और को भेजते हो तो वहां से वो लिंक रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो ये चीजें आके रिफ्लेक्टेड में। तो इसका हैकर कैसे यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक वेबसाइट है मान लीजिए, वहां पे मैंने कुछ स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करी, वहां पे मैंने कुछ स्टोर्ड कर दिया कि जो भी यूजर लॉगिन करे उसका डाटा मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने ये तो स्टोर्ड में डाल दिया, अब वो वेबसाइट के डाटाबेस में पहुंच गया है। जावास्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि बड़ा बैकबोन हो जाता है जावास्क्रिप्ट, तो वहां पे आपने क्या किया एक जावास्क्रिप्ट डाली, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई, मतलब कि किसी और ने अगर लॉगिन किया तो अब वो जो जावास्क्रिप्ट है स्टोर्ड वो क्या करेगी, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल जो भी डिटेल्स है वो अपने पास स्टोर्ड करेगी, और वहां से वो जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट करेगी और मेरे पास भेज देगी मेरे एड्रेस पे। तो मैं उसकी कुकीज देख सकता हूँ, कुकीज स्टीलिंग ऐसे ही होती है। इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, पर इस वीडियो इस चैनल पे मैं डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि YouTube हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, मतलब मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का स्टोर्ड वहां पे स्टोर किया, उस किसी और ने लॉगिन किया और वो लॉगिन डिटेल्स मेरे पास आ गई है कुकीज की फॉर्म में। अब क्या होता है, कुकीज मेरे पास आ गई तो मैं उसके अकाउंट से एक्सेस कर सकता हूँ, जो चीज उसे दिख रही है वो चीज मुझे दिखेगी। जैसे कि नेटफ्लिक्स है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि नेटफ्लिक्स है, किसने प्राइम मेंबरशिप ली है और उसने कुछ चैनल्स का लिया है, मतलब कि इन दो चार चैनल के पैसे दिए, तब उसका जो लॉगिन डिटेल है वो मेरे पास आ जाती है। मैं यहाँ से अपनी कुकीज को दोबारा डालता हूँ एंड वहां पे मैं देख सकता हूँ कि उसने क्या क्या चैनल किया है, उससे देख सकता हूँ मैं आराम से। तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। अब इससे बचा कैसे जाता है, इससे बचने का यार सही तरीका है कि जो डेवलपर्स हैं वो क्या करें, अपने जो कोड है उनको फिल्टर करें, कोई भी ऐसा चीज जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट ना होने दें, ठीक है। और कुकीज स्टीलिंग को बचा के रखें, कुकीज स्टीलिंग ऐसे नहीं हो पाएगी जिससे कि आपकी वेबसाइट बच जाएगी, ठीक है। और जहां पे भी पोस्ट या कमेंट वाले सेक्शन है वहां पे ये फिल्टर करें कि भैया आप क्या इनपुट डालो, ये इनपुट डालोगे तो साइट के ब्रैकेट्स हट जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स लगा दो कि ये पैरामीटर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डेवलपर उसको बचा सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। तो आई होप आपको समझ आ गई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या। मैं एक समरी बता देता हूँ कि एक वेबसाइट है जहां पे आपने कुछ स्क्रिप्ट डाली और वो स्क्रिप्ट आपके सामने पॉपअप की तरह खुलती है। अगर वो पॉपअप की तरह खुलती है तो वो हो जाती है रिफ्लेक्टिव, वो हमें रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो जाती है। या फिर अगर आपने कोई स्क्रिप्ट डाली और वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई, पॉपअप नहीं हुई, वो सबको दिख रही है, मतलब आपने बोल्ड किया तो सबको दिख रही है, तो वो हो जाती है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यही है कि आपने कुछ जावा का या फिर कुछ भी स्क्रिप्ट इनपुट डाला उसमें और वो आपको दिख रहा है, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है। और इसके दो पॉइंट भी बताते हैं, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये होता है। अब हैकर इसका कैसे यूज करते हैं ये भी बताया था मैंने आपको कि हैकर स्टोर्ड कुछ कर देते हैं और वहां से जब कोई विक्टिम या फिर कोई भी लोग बंदा है वो अपना लॉगिन डिटेल डालता है, उसकी कुकीज जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो ये होता है हैकर, इसका ऐसे यूज करते हैं। एंड अब देखेंगे इसका प्रैक्टिकल डेमो, सिर्फ डेमो है भाई, कुछ भी खतरनाक चीज नहीं है। समझ जाओ कि यूट्यूब क्या है, हमारी वीडियो डिलीट कर देता है। अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट इससे मिलता है या कुछ भी होता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यार एक लाइक से क्या होता है, तो भैया फर्क पड़ता है यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अभी, और प्रैक्टिकल डेमो पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमो हिंदी में। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर। अगर आप भी एक सच्चे एथिकल हैकर हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो देखिए आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा, रिफ्लेक्टेड और स्टोर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कितनी हैकर वन पे इसकी POC मिलती है, कितना बाउंटी मिलती है। POC भी देख लेंगे और बाउंटी भी। यहाँ हमारे पास फर्स्ट लिंक है रिफ्लेक्टेड का, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आप दिख रहा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और कौन सी वेबसाइट पे इसने किया हुआ है, तो वो वेबसाइट दिख रही है। और यहाँ पे उसकी बाउंड्री दिख रही है जो $375 है। $375 को अगर इंडियन करेंसी में हम चेंज करें तो ये हो जाता है 27,213 रुपीस। तो इतना मिल जाता है ये जो रिफ्लेक्टेड है रिफ्लेक्टेड का। अगर आपको स्टोर्ड का देखना है तो हम स्टोर्ड का भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्टोर्ड लिख देते हैं। स्टोर्ड पे कितनी बाउंटी मिलती है, मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए तक मिल जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। और ये रहा हमारे पास उसका POC और यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्रिएट ग्रुप्स। ग्रुप क्रिएट किए, यहाँ पे देखिए 3,000 लगभग बाउंटी मिली हुई है। 3,000 का मतलब बहुत होता है।
और यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना पैसा हो जाता है 2,500, तो ये हो जाता है कुछ 1,81,000 के करीब। तो बहुत सही है यार, ऐसे आपको बाउंटी मिल सकती है, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर बाउंटी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि यहाँ हमें, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हम लैब कैसे सॉल्व करेंगे। तो लैब सॉल्व करने के लिए हमारे पास DVWA है, यानी कि डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन। अगर आप लोकल होस्ट पे जाएंगे और लोकल होस्ट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, DVWA भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को ऑन कर देता हूँ, एक है हमारा अपाचे सर्वर, एक है हमारा MySQL डाटाबेस के लिए। तो सर्वर और SQL दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिएगा। और ये हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम लोकल होस्ट ओपन करेंगे और वहाँ पे DVWA की फ़ाइल देखेंगे कि हमारी DVWA की फ़ाइल है कि नहीं है। तो सॉरी, यहाँ देखिए लोकल होस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट पे मेरी अभी वेबसाइट रन कर रही है जिसको मैं एडिट करता हूँ और उसमें वीडियोस डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये फाइल शायद मैंने कोई और फोल्डर में लिखा हुआ होगा, तो फाइल वाले फोल्डर में देखता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास DVWA है, तो मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या है डिफरेंस, और मैं दोनों को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए हमारे पास रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे हमें इनपुट देना है, मैंने आपको बताया था इनपुट देना है। तो मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और नोट पैड से मैं यहाँ पे अपना पहला पेलोड बना लेता हूँ। मैंने आपको अगर बताया हो कि रिफ्लेक्टेड में हम एक जावा स्क्रिप्ट डालते हैं, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे हम और स्क्रिप्ट को बंद करते हैं, अलर्ट टैग ओपन करते हैं, अलर्ट मतलब कुछ पॉपअप शो होना, एंड वन डाला है हमने कि वन शो हो, मतलब उसमें कुछ लिखा है पॉपअप में क्या लिखा है तो वो है। तो इसको कॉपी करेंगे और ये हमारा है रिफ्लेक्टेड का, तो हम रिफ्लेक्टेड लिख लेते हैं ऊपर। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड लिख दिया हमने और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैं इसका लेवल सेट करता हूँ, लेवल लो लेवल रख देता हूँ क्योंकि लो लेवल में यही ये टैग काम आता है। जब आप किसी वेबसाइट पर करेंगे तो बड़े बड़े टैग्स आएंगे, वो मैं बताऊँगा किसी और वीडियो में। तो यहाँ मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये रहा मेरा स्क्रिप्ट, इसको मैं सबमिट करूँगा। और यहाँ देखिए हमारे पास वन लिखा है, हमने अलर्ट के बाद जो वन लिखा था वो चीज़ है। अगर आप अलर्ट के बाद कुछ और लिखते हैं, जैसे कि कोई बड़ा क्रेडेंशियल आपको ढूंढना है, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ ढूंढनी है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ लिखें एंड यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपको सबमिट हो जाएगा और आपकी कुकीज़ दिखने लग जाएंगी। तो मैं इस कुकीज़ को सबमिट करने से पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमने क्या पेलोड बनाया था, और पेलोड आप दिख लें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेलोड, और ये रहा हमारा पूरा पेलोड डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ का। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास कुकीज़ आ चुकी हैं, PHP SSID, तो ये हमारी कुकीज़ हैं। और ये हमारे पास स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमने यहाँ पे अब करनी है। तो स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहला नाम लिखा हुआ है और मैंने जैसा आपको बताया था कि सबके लिए अवेलेबल होता है, तो आप बोल्ड कर सकते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट अलर्ट डाल सकते हैं कि जब भी हम इसे ऑन करें ये अलर्ट मैसेज शो करें। तो जब भी मैंने इसको ऑन किया तभी ये अलर्ट मैसेज शो कर रहा था आपके सामने ही सब्सक्राइब का। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से दे देता हूँ बोल्ड लेटर में, और इसका मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इसकी क्या पेलोड है, ये स्टोर्ड का है। और इस पेलोड को मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मैं साइन इन करता हूँ और ये देखिए हमने जो पहले स्टोर्ड में रिफ्लेक्टेड किया था वो हर जगह शो होगा। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, एक बार ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि ये ऊपर हमें दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड ही काम कर रहा है। तो शायद एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट आ क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो इनपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्सक्राइब के लिए आ चुका था कि हमने क्या लिखा था बोल्ड लेटर में। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टैग्स भी डाल सकते हैं HTML के टैग्स, तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं सिंपल टैग्स। मैं पहले अमित लिख देता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ H1 डाल देता हूँ, H1 मतलब हेडर 1 का टैग है, और यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ और इस H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ सिंपल से। और क्लोज करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो देखते हैं सबमिट होने के बाद क्या होता है। तो सबमिट कर दिया हमने और ये हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए H1 में हमें हाई बहुत बड़ा लिखा है,
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है और प्रैक्टिकल डेमो। तो आप भी एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल को, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो मुझे मैसेज करें, DM करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा आपको।